كما رددت يا رب العيش هذه وانتشت روحي وصار الدمع رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون हर किस्म की बड़ाई अल्लाह तबारक व तआला के लिए लायक व ज़ेबा है जिस अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे और आपको पैदा फरमाया और बेशबहा अनगिनत नेमतों से नवाजा हम उसी अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र बजा लाते हैं। बादहु सलात व सलाम हो तमाम ही अम्बिया किराम पर सैयदना आदम अलैहि सलात व सलाम से लेकर मेरे और आपके आखिरी नबी आकाए नामदार ताजदारे मदनी साकी कौसर शाफ़ महशर हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने इस कायनात का रहमतुल लिल आलमीन बना करके मबूस किया। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लि मुबारक अलैह। काबिल एहतराम बुज़ुर्गों, अज़ीज़ साथियों, नौजवान दोस्तों, प्यारे बच्चों और मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन इस्लाम, इस मुख्तसर से हम दो सलात के बाद अल्लाह की तौफीक और उसकी मदद से उनवान के तहत कुरान मजीद की एक बहुत ही मारूफ और मशहूर आयत करीमा मैंने आपके सामने तिलावत की है। उसी की मुनासबत से इंशाअल्लाह अज़ीज़ आज के इस मुख्तसर से खिताब में कुरान और हदीस के हवाले से चंद बातें रखने की कोशिश करूंगा। अल्लाह से मिलकर के दुआ फरमाएं, अल्लाह ताला कहने और सुनने से ज़्यादा अल्लाह अमल की तौफीक नसीब फरमाए। हम सब की बैठक को अल्लाह तबारक व ताला कबूल फरमाए। अल्लाह ताला दीन जैसी अजीम नेमत से अल्लाह ताला हम सबको मालामाल फरमाए और अल्लाह तबारक व ताला हमारे गुफ्तगु में अल्लाह तासीर पैदा फरमाए, हमारे नियतों में अल्लाह ताला इखलास पैदा फरमाए, हमारी दावत में अल्लाह तबारक व ताला इस्तकामत पैदा फरमाए। आमीन रब्बल आलमीन। हजरात, सबसे पहली बात यह है कि माह रमजान की आमद आमद है अल्हम्दुलिल्लाह। उसकी खुशी में हम और आप साल भर सुभान अल्लाह इंतजार फरमाते हैं। एक साल इंतजार के बाद अल्लाह तबारक व ताला रमजान का यह मुबारक महीना मुझे और आपको, अहले ईमान को, दुनिया के सारे लोगों को अल्लाह तबारक व ताला अता फरमाता है। इस मौके पर अल्लाह का शुक्र बजा लाते हैं, दुआ फरमाते हैं, अल्लाह मेरी आपकी हयात में अल्लाह बरकत नसीब फरमाए। रमजान जैसा मुकद्दस महीना आ रहा है, अल्लाह उसकी तैयारी करने की परवरदिगारा हम सबको तौफीक नसीब फरमाए। होशियार आदमी वो है, चालाक आदमी वो है अल्लाह तबारक व ताला की नज़र में, शरीयत की नज़र में, जो रमज़ान आने से पहले रमज़ान की तैयारी करे। सुभान अल्लाह, रमज़ान में दाखिल होकर के रमज़ान की तैयारी करना ये इंतहाई दर्जा की हिमाकत है। आपके घर में आज के दिन शादी है और आप उसकी तैयारी कर रहे हैं, दुनिया आपको क्या कहेगी। इसलिए ऐ मुसलमानों, कान खोल करके इस बात को सुनना कि रमज़ान आने से कबल उसकी तैयारी करनी चाहिए। तैयारियां कैसे करनी, इंशाअल्लाह ताला कुछ मोटी मोटी बातें कुरान और हदीस के हवाले से हम रखने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह तबारक व ताला। सबसे पहली बात तो ये कि रमजान का ये महीना, खैर का ये महीना, बरकतों का ये महीना, सआदतों का ये महीना, बख्शिश का ये महीना, सब्र का ये महीना, इस्तकामत का ये महीना, तरबियत का ये महीना। सुभान अल्लाह, अल्लाह साल भर नहीं, साल में एक बार अता फरमाता है। सुभान अल्लाह, एक बार अल्लाह तबारक व ताला मुझे और आपको अता फरमाता, इसलिए देता है ताकि हम अपनी गर्दनों को जहन्नम से आजाद करा लें, हम अपने आप को जन्नत के मुस्तहिक बना लें, हम अल्लाह तबारक व ताला को राजी कर लें, अल्लाह को खुश कर लें। सुभान अल्लाह, ये महीना अल्लाह हमें इसलिए अता फरमाता है। अल्लाह से दुआ फरमाए, रमजान का जो हकीकी पैगाम है अल्लाह उसको समझने की तौफीक नसीब फरमाए। याद रखो, जैसे हमने अब तक जिंदगी गुजारी है सुभान अल्लाह, और हमने अपनी जिंदगियां गवाई हैं, जाया कर दी हैं, रमजान इसलिए नहीं आया है, इसलिए आया है
ताकि हम अपनी ज़िंदगी को कामयाब बनाने की कोशिश करें इंशाअल्लाह तबारक व ताला। मेरे भाइयों, जानते हैं रमज़ान का महीना ये सबसे बड़ा महीना है, सुभानअल्लाह। जैसे दिनों में जुमा का दिन ये सरदार है, रातों में क़ियामुल्लैल सुभानअल्लाह, शबे कद्र वाली जो रात है ये सारे रातों की सरदार है। मसाजिद बहुत सारे हैं, खाने काबा की बात अलग है सुभानअल्लाह। पत्थर बहुत सारे हैं, उनकी कोई कीमत नहीं है, लेकिन हजरे असवद का मकाम कुछ और है। ऐसा रमज़ान का महीना है सुभानअल्लाह, ये मेरे और आपके दरमियान में मेहमान बन के आ रहा है। क्या बन कर आ रहा है? मेहमान बन कर के आ रहा है। और मुझे आप एक सीधी सादी बात बताइए, अगर मेरे आपके घर में कोई मेहमान आता है, हम उसका इस्तकबाल कैसे करते हैं, कब उसके लिए तैयारियां कैसे करते हैं? ये मेहमान अल्लाह की तरफ से आ रहा है। किसका भेजा हुआ है, जरा बोलते रहिए, किसका भेजा हुआ है? अल्लाह का भेजा हुआ ये महीना है सुभान अल्लाह। और जब इतना बड़ा मेहमान है सुभान अल्लाह, तो उसकी तैयारी भी बहुत बड़े पैमाने पर होनी चाहिए। अगर हमारे घर में कोई दामाद आता है, मेहमान जैसे जैसे होते हैं वैसे हमारी तैयारी होती है। मेहमान जितना बड़ा होता है तैयारी उतनी ही बड़ी, बोलिए ना जरा, होती है। ऐसा रमजान का महीना ये सबसे बड़ा महीना है, इसकी तैयारी भी सबसे बड़ी होनी चाहिए इंशाल्लाह। बड़ा दुख होता है आप पर, मुझ पर, हम मर्दों पर होता है, रमजान आते ही हम ख्वातीन पर इतना जुल्म करते हैं, उन्हें खानों पर लगा देते हैं, किचन में लगा देते हैं। हमारी माएँ और बहनें सुभान अल्लाह रमजान की इबादतों से महरूम हो जाती है। ये बड़ी अफसोस की बात है। रमजान ये खाने पीने वाला महीना नहीं है, ये तरबियत का महीना है। कौन सा महीना है? तरबियत का महीना है। जो अल्लाह की कसम है, बात साफ और सीधी है, जो रमजान में अपने आप को सुधार ना सका, वो साल के 11 महीने में कभी नहीं सुधार पाएगा। ये जिंदगी कैसे गुजारनी है ये रमजान से सीखना है सुभान अल्लाह। जिंदगी कामयाब कैसे बनानी है ये रमजान से सीखना है सुभान अल्लाह। ये मुझे और आपको बनाने के लिए आया है, ये हमें और आपको बेहतरीन इंसान बनाने के लिए आया है रमजान का महीना। अगर अब नहीं सुधरे, अब मेरी आपकी सलाह नहीं हुई है, किस महीने में नमाजी बनोगे, किस महीने में तहज्जुद गुजार बनोगे, किस महीने में कुरान की तिलावत करोगे? सुभान अल्लाह, क्या कहा जाए जनाब, बातों से बातें निकलती हैं। है अल्लाह का कलाम ना, है प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, ये ऐसी वजनदार है। जब आदमी वादी हदीस में दाखिल होता है, कुरान और हदीस की आयात और प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमोदाद में दाखिल होता है, बातों से बातें निकलती हैं। यही वो महीना है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने 70 रमजान, कौन सी तारीख थी, 70 रमजान सुभान अल्लाह जब आया, अल्लाह ने गज़वे बद्र के जरिए से अहले हक को अल्लाह ने कामयाब किया था, और अहले बातिल को अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया से निस्तो नाबूद फरमा दिया था। यही वो महीना है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने खाने काबा को 360, मैं नाम आगे नहीं लूंगा, 360 से अल्लाह ताला ने पाक और साफ कर दिया था। और अल्लाह ने फरमाया, जल हक व ज़हक अल बातिल, जल हक व ज़हक अल बातिल, इन अल बातिल कान ज़हूका, हक आ गया है और बातिल को मिटना है और बातिल को निस्तो नाबूद होना सुभान। ये यही वो महीना है जनाब। इस क्या कहा जाए इस महीने के फजाइल पर कुर्बान जाए, और अल्लाह की कसम दुआएं दे, गाइबाना दुआएं दे उलमाए किराम के लिए जिन्होंने रमजान के एक एक मसले पर किताबें लिख डाली है सुभान अल्लाह। दुआ फरमाए अल्लाह, कभी उलमा के लिए भी दुआ कीजिए, दुआ फरमाए अल्लाह उलमाए किराम की खिदमत को कबूल फरमाए। कौन सा ऐसा मसला है रमजान का जिस पर उलमा ने किताबें ना लिखी हो सुभान अल्लाह। ये शुक्र है अल्लाह का, ये अल्लाह तबारक व तआला का एहसान है मुझ पर और आप पर। अल्लाह ने ऐसे जय्यद और मुस्तरद उलमाए किराम पैदा किए हैं सुभान अल्लाह, जिन्होंने कुरान और हदीस के हवाले से एक एक मसले पर किताबें लिखी हैं सुभान अल्लाह। पढ़ने वाला चाहिए, मुताला करने वाला चाहिए, अमल करने वाला चाहिए सुभान अल्लाह। आइए इस हवाले से चंद बातें रखूंगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला, चलते रहिए इंशाअल्लाह। जब तक मुस्तनद और मुअक्कर और जिन उलमाए किराम के आप इंतजार में बैठे हैं, तब तक हमारी बातें इंशाअल्लाह होते रहेंगी। सबसे पहला काम मुझे और आपको जो करना है रमजान अल मुबारक के हवाले से, वो जानते हैं सबसे पहला काम यह है, रमजान का चांद जैसे
नजर आए, दुआ पढ़नी है। क्या पढ़नी है? बोलते रहिए मेरे साथ, वैसे हर महीने की चांद देखने की कोशिश करें, और जब जब चांद नजर आ जाए दुआ पढ़ें, लेकिन रमजान के चांद और हिलाल का खुसूसी तौर पर एहतमाम करें। कौन सी दुआ पढ़ेंगे? मेरे आपके नबी, एक बार कहिए, जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर चांद जब नजर आता था ये दुआ पढ़ते थे, अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल अमने वल ईमान वस्सलामति वल इस्लाम रब्बी व रब्बुकल्लाह। सुभान अल्लाह, क्या अकीदे तौहीद है। सुभान अल्लाह, क्या दुआ करते थे, ऐ अल्लाह इस चांद को अमन वाला बना, आमीन बोलिए, आमीन, अल्लाह इस चांद को सलामती वाला बना, इस्लाम के हक में मुफीद बना, मुसलमानों के हक में मुफीद बना। अरे परवरदिगारा, यहाँ सारे लोग मिल करके अल्लाह ये दुआ फरमाते हैं, रमजान की बरकत से अल्लाह सारी बीमारियों को खत्म फरमा, अल्लाह एक बना दे सबको, नेक बना दे अल्लाह सबको, रमजान की बरकत से सारे लोग अल्लाह एक हो जाएं, इत्तफाक व इत्तेहाद के प्लेटफार्म पर आ जाए, ये महीना अमन वाला हो जाए, ये दुआ फरमाते थे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह एक बार और पढ़ देता हूँ, याद कर लीजिए, अभी आठ दिन आपके पास है, अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल अमन वल ईमान वस्सलामति वल इस्लाम रब्बी व रब्बुकल्लाह। और आखिर में नबी ने क्या पैगाम दिया, आए चांद मेरा तेरा रब कौन है, बोलिए ना कौन है, अल्लाह है। चांद ये रब नहीं हो सकता है, चांद तुझे अपनी खूबसूरती पर कितना भी गुरूर आ जाए तुझे दुनिया से खत्म होना ही होना है। ऐ सूरज, तू कितना भी तपिश और हरारत अपने अंदर पैदा कर ले तो रब नहीं हो सकता है, रब एक ही है, रब्बी व रब्बुकल्लाह। ऐ चांद मेरा और तेरा रब कौन है, अल्लाह है। ये वो महीना है सलफे सालहीन जिसके लिए छह महीना उंगलियों पर गिना, कितने, छह महीना अल्लाह से दुआ फरमाते थे, अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमजान, ऐ परवरदिगारा रमजान तक हमारी जिंदगी बाकी रखना, छह महीना सलफे सालहीन दुआ फरमाते थे। देखिए ना जरा, मैं भी देख रहा हूँ, आप भी देखिए ना, आपके अगल बगल में पिछले रमजान में कितने लोग थे, सहरी में थे, इफ्तारी में थे, तरावी में थे, कहाँ चले गए वो लोग, कहाँ चले गए वो लोग, एक एक करके। दो साल की बीमारियों ने तो इंसान को भुला दिया किसकी ज़िंदगी है और कौन कब्र के आगोश में चले गया है, मुलाकातों का सिलसिला ही ख़त्म हो गया, मोहब्बतों का सिलसिला ही ख़त्म हो गया। ये सोच करके ज़िंदगी गुजारिए कि मेरी और आपकी ज़िंदगी का आखिरी रमज़ान हो, और रमज़ान कोई ना कोई तो आखिरी होगा ही इंशाअल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह से मुलाकात करनी है इंशाअल्लाह तबारक व तआला। तो मेरे भाई हो, इसलिए सलफ़े सालिम छः माह तक अल्लाह से दुआ फरमाते थे, अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमजान, अल्लाह रमजान अता फरमा, अता फरमा। और जब रमजान गुजर जाता था इतराते नहीं थे, फख्र नहीं करते थे, खुशियां नहीं मनाते थे, लड्डू नहीं बांटते थे, छह महीना ये दुआ फरमाते थे, अल्लाह जो टूटी फूटी इबादत हमने की है अल्लाह कबूल फरमा। सुभान अल्लाह, ये एक अच्छे मोमिन की, ये एक अच्छे मुसलमान की पहचान होती है, अपनी नमाजों पर कभी इतराता नहीं है, दीन का कोई काम कर लिया कभी घमंड नहीं करता है, सजदे शुक्र बजा लाता है, तेरी तौफीक से अल्लाह आज यहाँ बैठे हैं, किसकी तौफीक से, अल्लाह, अल्लाह तेरी तौफीक से ये फकीर कुछ बातें कर रहा है, हमारे अंदर क्या ताकत है, हमारे अंदर क्या कुव्वत है, इसलिए ना क्या कहा जाए, प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने क्या फरमाया, जन्नत के खजानों में सबसे बड़ा खजाना क्या मालूम है, ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्ला। हम क्या करते हैं, शैतान का नाम सुनते हैं तो ला हौला पढ़ते हैं, अरे नहीं भाई, शैतान का नाम सुनिए, औज़ बिल्ला पढ़िए, ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्ला, ये जिक्र है, जिक्र है, ये जिक्र इलाही है, ये जन्नत के खजानों में बड़ा खजाना है। सुभान अल्लाह, क्या है और इसका माना क्या है, अरे परवरदिगारा नेकी मैंने जो भी की है अल्लाह तेरी तौफीक से की है, और है परवरदिगारा बुराई से अगर महफूज हूँ अल्लाह तेरी तौफीक से। सुभान अल्लाह, है कि नहीं है, है कि नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह, ये पहली बात है। और दूसरी बात मेरे भाइयों ये है कि रमज़ान आने से कबल कबल बहुत ही मेरी ये बड़ी गुजारिश है, पहले मेरे लिए दुआ फरमाए इंशाल्लाह।
मैं आपके लिए दुआ फरमाता हूँ इंशाअल्लाह ताला। हम सब मिल करके भाई एक दूसरे के लिए दुआ करेंगे इंशाअल्लाह, बड़ी ताकत है। अभी मैं दुआ के बारे में कुछ बातें इंशाअल्लाह बताऊँगा। दूसरी चीज़ ये है, मालूम है रमज़ान आने से कबल कबल ना हम अपने दिलों को साफ कर लें, दिलों को उजला कर लें। जैसे घरों की सफाई हो रही है, मस्जिद की सफाई हो रही है, मेंटेनेंस का काम हो रहा है, अच्छी चीज़ है भाई। घर साफ रखो, सुथरा रखो, घर आंगन साफ रखो, ऐसे दिल भी साफ होना चाहिए। किसी से अगर हमारी बातचीत बंद है, बोलचाल बंद है, एक ही खानदान के हैं, बड़ा दुख होता है, एक ही मस्जिद के मुसल्ली हैं, लेकिन बगल में खड़े होकर के नमाज नहीं पढ़ते हैं, कौन सा ये मुसल्ली है, ये कौन सी नमाज तो पढ़ रहा है? अल्लाह के बंदे, शर्मो हया नहीं है कि अगर तुम्हारी किसी से बातचीत बंद है तो बगल में खड़े होना भी पसंद नहीं करते हो ना? ऐसी नमाज अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं है। रमजान आने से कबल कबल ये दिलों को साफ करो, दिलों को उजला करो, दिलों को साफ करो, बुग्ध से, कीना से, कपट से, हसद से, नफरत से, अदावत से, दुश्मनी से दिलों को साफ करो इंशाल्लाह। बोलिए जरा, खानदान में, रिश्तेदारी में किसी से बोल चाल बंद है, जाओ गले मिल जाओ। सुभान अल्लाह, रमजान आ रहा है, ये नफरतों की आग में कब तक जलोगे, ये नफरतों की आग में कब तक झुलसोगे? बाप बेटे से नाराज है, शर्म की बात है, भाई भाई से बातचीत बंद है, शर्म हया की बात है। रमजान आने से पहले पहले ये दिलों को साफ कीजिए। मेरे आपके नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुनो, दुब्बा इलैकुम दाउल उमम मिन कबलकुम, पहले लोगों की बीमारियां तुम्हारे अंदर आ गई हैं। अल्लाह ना करे, अल्लाह से सबके लिए दुआ फरमाए, अल्लाह हिफाजत फरमाए। पहले लोगों की बीमारियां आ गई हैं, वो बीमारी क्या मालूम है? हसद है हसद, बुग्ज है बुग्ज, नफरत है, अदावत है, दुश्मनी है, कीना कपट है। ये पहले उम्मतों की बीमारियां थी, यहूदियों की ये बुराइयां थी, आज उम्मत मुहम्मदिया के लोगों के अंदर आ गई है। प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह ने क्या फरमाया? ये मूडने वाली है, ये हालिका, ये मूडने वाली है। कहा ये तुम्हारे सर के बालों को नहीं मूडेगी, वलाकिन तहलिकुद्दीन, ये तुम्हारे दीन को मूड देने वाली है। हसद है, बुग्ज है, बुराई है, ये सारी चीजें क्या है ना, हमारे दीन को साफ कर देने वाली है। और प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह ने क्या फरमाया? ला तदखुलुल जन्ना हत्ता तुमिनु, जन्नत सिर्फ अहले ईमान के लिए। किसके लिए है? बोलिए ना, जन्नत में सिर्फ मोमिन जाएगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। जन्नत अल्लाह ने सिर्फ अहले तौहीद के लिए रखी है। और कहा ईमान तुम्हारे दिलों में उस वक्त तक नहीं आएगा जब तक आपस में मोहब्बत ना करो। सुभान अल्लाह, ये आपस की मोहब्बत ये ईमान की अलामत है। किसकी अलामत है? बोलिए जरा। ईमान खाली मैं अकेले बोलूंगा? ना ना ना, ये ऐसा नहीं हो सकता है, आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा इंशाअल्लाह तबारक। कुछ लीजिए, कुछ दीजिए इंशाअल्लाह तबारक। कहा जन्नत में अहले ईमान जाएंगे और ईमान की अलामत है आपस में मोहब्बत, और आपस में मोहब्बत का सबसे बड़ा जरिया है अफसुस सलाम, सलाम को फैलाओ। क्या कीजिए? खूब सलाम कीजिए। याद रखो एक दिन आएगा दिल साफ हो जाएंगे इंशाअल्लाह तबारक व ताला। तो रमजान आने से कबल हमारी आपकी एक बड़ी जिम्मेदारी है, दिलों की सफाई बहुत जरूरी है। प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ना कि पीर और जुमेरात को इंसान के आमाल पेश किए जाते हैं। कहाँ? अल्लाह के दरबार में। कब? या दिन याद रखना, कौन सा दिन है वो? पीर और जुमेरात, यौमुल इस्नैन व यौमुल खमीस। पीर और जुमेरात को इंसान के आमाल अल्लाह के दरबार में पेश किए जाते हैं। अल्लाह सबकी मगफरत कर देता है सिवाय मुशरिक के, सिवाय मुशरिक के अल्लाह सबकी मगफरत कर देता है। दुआ करें अल्लाह, सब मिलकर के दुआ करें, अल्लाह ताला हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमाए, अल्लाह हमें भी माफ़ फरमा, अल्लाह हम पर भी रहम और करम नाजिल फरमा। और कहा अल्लाह के हबीब सलाम ने आगे फरमाया, हाँ उन दो लोगों की मगफरत नहीं होती है, चाहे वो अहले तौहीद ही क्यों ना हो, चाहे वो सलफी ही क्यों ना हो, चाहे वो पक्का मवाहिद ही क्यों ना हो, उन दोनों की मफरत नहीं होती है जिन दोनों के दरमियान में नफरत है। अल्लाह ये फरमाता है इन्हें, अल्लाह ताला क्या फरमाता है? उन्दुरु हादैन हत्ता यस्तलिहा, इन्हें मोहलत दो, मोहलत दो, मोहलत दो, इनकी आमाल को जमीन व आसमान के दरमियान में लटका दिया जाता है। जब ये दोनों मिल जाते हैं, आमाल भी
ये भी जन्नती बन जाते हैं सुभान अल्लाह। इसलिए दिलों की सफाई बहुत ज़रूरी है इंशाअल्लाह तबारक व तआला इंशाअल्लाह। और तीसरी बात कह करके कुछ और बातें हैं जो कह करके इंशाअल्लाह मैं अपनी गुफ्तगू अल्लाह के तौफीक से वक्त मुकर्ररा पर इंशाअल्लाह अज़ीज़ ख़त्म करूँगा। तीसरी बात यह है मेरे भाइयों, रमज़ान आने से कबल हमें और आपको ज़रा अपने जेब में रखे हुए मोबाइल पर भी एक बार नज़र डाल लेनी है। बोलिए ना इंशाअल्लाह। हाँ, मोबाइल किसी को दीजिए मत, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। नज़र डालने का मतलब ये है ना, मेरे आपके मोबाइल में कोई गंदी चीज़ है, वीडियो ख़राब है, फहश फोटो है, नाचने वालों के, गाने वालों की, थिरकने वालों की, बेहया लोगों की, बेशरम लोगों की, मेरे आपके मोबाइल में अगर ऐसी कोई चीज़ है, अल्लाह के वास्ते रमज़ान आने से कबल इसको साफ़ कीजिए इंशाअल्लाह। बोलिए इंशाअल्लाह, इसकी सफाई बहुत ज़रूरी है। हमारे नौजवानों के मोबाइल में क्या क्या है, हमें अल्लाह से उम्मीद है नौजवान बड़े अच्छे हैं इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह बोले ना, नौजवानों से हमें बड़ी उम्मीद है इंशाअल्लाह। और हमें यकीन है इनके बारे में, उसने जन है हमारा कि इनके मोबाइल में कोई ख़राब चीज़ नहीं होगी इंशाअल्लाह तबारक होता। कहीं गलती से अगर आ गई है कोई चीज़, अल्लाह के वास्ते इस मोबाइल की भी सफाई बहुत ज़रूरी है। और इनकी जगहों पर क्या रखेंगे जानते हैं, शेख अब्दुर्रहमान सुदेश की किरत, बोले ना वो इमाम हरम, दुआ करें अल्लाह उनकी उम्र हयात में अल्लाह बरकत नसीब फरमाए। अल्लाह की कसम है इस शहर में आपके खड़ा हूँ, आप भी यहाँ बैठे हैं, हमें उनसे अल्लाह की खातिर मोहब्बत है सुभान अल्लाह। हम जहाँ रहेंगे दुआ करेंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। इमाम हरम की किरत सऊद अश-शुरैम हैं, माहिर अल-मुआइकिली हैं, शेख अब्दुर्रहमान सुदेश हैं सुभान अल्लाह, बंदर बिन बुलैला हैं, और दीगर अइम्मे हरम है ना, या अपने हाफिज साहब की रखिए ना, मकामी हाफिज, उनकी भी किरत अपने पास रखिए, आप अपने इमाम साहब की तकरीर रखिए सुभान अल्लाह। और रमजान पूरा महीना सुभान अल्लाह, आपके कानों से, आपकी समातों से अगर कोई चीज टकराए, वो या तो अल्लाह का कलाम हो, मेरे साथ बोलिए, या तो अल्लाह का कलाम हो, या प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों के अल्फाज हो इंशाअल्लाह ताला। बात साफ है, साफ है सुभान अल्लाह, सीधी है अल्हम्दुलिल्लाह, कुरान और हदीस से है, कुरान और हदीस से है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे भाइयों एक और चीज़ जानते हैं जो मुझे और आपको करना है रमज़ान आने से कबल मेरे भाइयों, वो ये है कि हमारे अपने घरों को भी चेक करना है सुभान अल्लाह। हमारे अपने घरों में कनेक्शन जो हमने ले लिया है ना, VCR का, इसी तरीके से केबल का, नेट का, इन सब को भी चेक करना है इंशाअल्लाह। अगर मेरे आपके घरों में गाने बजाने की सीढ़ियाँ हैं, क्या करेंगे बोलिए ना, क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे, फेंकेंगे, फेंकेंगे नहीं, दूसरा फायदा उठाएगा, तोड़ेंगे इंशाल्लाह बोलिए। हाँ, क्या करेंगे, हिम्मत की बात है, लाखों की भी हमने, मैं कैसेटों की बात कर रहा हूँ, आपके मशीनों की बात नहीं कर रहा हूँ। ये मशीनें रिकॉर्ड हो रही हैं सुभान अल्लाह, ये लाखों की मशीनें हैं, इनके ज़रिए से दीन की बात भी होती है। तो हमारे अपने घरों में ना जो वो कैसेटें रखे हैं, वो मेमोरी रखा है जिसमें गाने और बजाने की चीज़ें हैं ना, गलत चीज़ें, इंशाअल्लाह अपने बच्चों को दूर रखेंगे ना इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह तबारक व तआला। आइए चौथी बात मैं अब रमज़ान के ताल्लुक से करूंगा। उन्वान क्या है, यहाँ देखिए, रमज़ान तरबियत का महीना। कौन सा महीना ये, सुभान अल्लाह, मैंने कहा ना ये एक महीना अल्लाह ने जो मुझे और आपको अता फरमाया है ना, ये मुझे और आपको सिखाता है पूरे साल कैसे गुजारना इंशाअल्लाह ताला। ये एक महीना अगर आपकी मेरी तरबियत हो जाए, ट्रेनिंग हो जाए सुभान अल्लाह, अल्लाह की कसम है रब के दरबार में कहता हूँ पूरा साल आपका सही गुजरेगा इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अगर ये एक महीना अगर मैंने आपने सही नहीं गुजारा, चौराहों पर, चौकों पर, कट्टों पर, रोडों पर, होटलों पर बैठ करके वक्त हमने गवाया, जाओ अल्लाह की तरफ से यह अज़ाब है, तुम्हारा पूरा साल ऐसे गुजरेगा, है कि नहीं है, सच है या नहीं है। इसलिए मेरे भाइयों ये तरबियत का महीना है। प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से अपनी बात शुरू करेंगे। प्यारे नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुत्तफक अलैहि रिवायत है, बुनिय अल इस्लाम अला खम्स शहादा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह व इकाम
الصلاه وايتاء الزكاه وصوم رمضان وحج بيت الله سبحان الله. क्या बात है, कितनी बड़ी हदीस है, कितना बड़ा पैगाम है जानते हैं प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम का तारुफ कराया। इस्लाम कहते किसको है, इस्लाम की तारीफ प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बताई है। कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहा सबसे पहली चीज ये है इस्लाम के घर में उंगलियां मेरी तरफ होना, ये मेरी उंगली को देखो। कहा इस्लाम के घर में दाखिल होने के लिए सबसे पहले जरूरी है इस बात का ऐलान करना इस कायनात में अल्लाह के सिवा कोई माबूद बराक नहीं है, वही मुश्किल कुशा है, वही हाजत रवा है, वही फरियाद रस है, वही गौसे आजम है, वही दस्तगीर है, वही गनबख्श है, वही दाता है, वही रोजी रोटी का मालिक है, वही मौत और हयात का मालिक है। देने और ना देने का पावर किसके पास है, बोलते रहिए जरा, ये जुमा का मौका नहीं है, बोलते रहिए इंशाल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला के पास है सुभान अल्लाह। इज्जत देने और ना देने का अख्तियार किसके पास है, अल्लाह के पास है सुभान अल्लाह। प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तारुफ कराया इस्लाम के घर में दाखिल होने के लिए सबसे पहले जरूरी ये है सुभान अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार किया जाए, उसके बाद ये गवाही दिया जाए कि प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी है, आखिरी रसूल है, आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा, आपके बाद कोई रसूल नहीं आएगा। और उसके बाद नबी सल्लम ने फरमाया, बात मैं इख्तसार में कर रहा हूं, रमजान का रोज़ रमजान का महीना मिले तो क्या करना, जरा जोर से बोलिए क्या करेंगे, रमजान का महीना मिले तो क्या करेंगे, रोजा रखेंगे। ना ना ना, समझ नहीं आ रही, क्या रखेंगे, रोजा रखेंगे। हमें बड़ा अफसोस होता है उन बुजुर्गों पर, जवानों पर, 40-40 साल जिनकी उम्रें बीत गई हैं, दाढ़ियों के बाल सफेद हो रहे हैं, पर्दे गिरा करके होटलों में खाते हैं, शर्म नहीं आती है तुम्हें, ये मासूम बच्चे सुभान अल्लाह, ये बच्चे, मैं इशारा किसकी तरफ किया, ये बच्चे, ये मासूम 7 साल के बच्चे, ये रोजा रखते हैं, दिन भर भूख और प्यास बर्दाश्त करते हैं, 40-40 साल के ये नौजवान हो गए हैं, 50 साल के बुजुर्ग हो गए हैं, ये रमजान के रोजे रखने के लिए हीले बहाने करते हैं। होटलों में जाओ देखो, मुसलमानों की होटलों में देखो, पर्दे गिरा गिरा करके खाते हैं। अरे बेशरम इंसान, तो दुनिया से छुपा रहा है, दुनिया से छुप रहा है, नजर में मुत्तकी बन रहा है, लेकिन अल्लाह को नहीं मालूम है क्या है कि नहीं है। इसलिए रोजा रखेंगे इंशाल्लाह, दुआ कीजिए इंशाल्लाह, अल्लाह से दुआ फरमाए, अल्लाह ताकत और कुव्वत नसीब फरमाए, आमीन जोर से बोलिए, अल्लाह सेहत नसीब फरमाए, अल्लाह आफियत की नेमत नसीब फरमाए। और तीसरी बात कहकर के इंशाल्लाह अपनी गुफ्तगू में पूरी तरीके से समेट आऊं इंशाल्लाह, रमजान का महीना मिले तो क्या रखेंगे, रोजा रखेंगे सुभान अल्लाह। ये रमजान का महीना आ रहा है ना, मुझे और अपने आप को चेंज करना है इंशाल्लाह, बोलिए बदलना है इंशाल्लाह, बोले इंशाल्लाह बदल देंगे इंशाल्लाह। अय अल्लाह तेरे घर में वादा करते हैं सारे जितने यहां बैठे मेरे सामने बड़े हैं या बुजुर्ग बच्चे, अल्लाह वादा करते हैं तू जैसा हमें देखना चाहता है इंशाल्लाह वैसा बनेंगे, इंशाल्लाह वैसा बनेंगे इंशाल्लाह। अय अल्लाह तू जिस, तू तेरा वादा है कि तू मुसलमान से मोहब्बत करता है, अहले ईमान से मोहब्बत करता है, अय अल्लाह सही मुसलमान दिखाएंगे इंशाल्लाह ताला। ये रमजान का महीना आ रहा है, ये रिफ्रेशर कोर्स है, ये तरबियत का महीना है, ये चेंज करने का महीना। और सुभान अल्लाह आए है रमजान आता है ना, कायनात का सिस्टम बदल जाता है। क्या बदल जाता है, कायनात का सिस्टम बदल जाता है। कैसे जानते हैं, प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया का इदा दखला रमजान फतियत अबवाबुल जन्ना व गुल्लिकत अबवाबुन नार व सुफिदत अश्शयातीन। प्यारे नबी मोहम्मद अरबी अलैहि सलाम ने फरमाया अल्लाह हमसे और आपसे कितनी मोहब्बत फरमाता है। कुरान में अल्लाह ने क्या कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, क्या कहा, यह लफ्ज बोलिए आमनू बोलिए ना, अल्लाह ने हम जैसे गुनहगार लोगों को क्या कहा, ईमान वाला कहा है। अल्लाह तेरी रहमत पर कुर्बान जाऊं, हमारे पास ईमान है भी कि नहीं है, अल्लाह ने हमें ईमान वाला कहा, क्या कहा अल्लाह ने, ईमान वाला कहा, या अय्युहल्लज़ीना सुभान अल्लाह, कुर्बान जाए अल्लाह तेरी रहमत पर, हम जैसे फकीरों को अल्लाह ने याद किया है, हम जैसे गुनहगारों को अल्लाह ने याद किया, और याद करके अल्लाह ने क्या कहा, ईमान वालों, क्या कहा, सुभान अल्लाह, अल्लाह तेरी शान पर अल्लाह कुर्बान जाए ईमान वाला। ये लफ्ज़ पढ़ते रहिए ना,
अल्लाह की कसम है, ये आयत इतना बड़ा है, मौजज़ा है, अल्लाह की तरफ से इतना बड़ा इनाम है, पढ़ते जाइए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमनू, सलफी उलमा के बारे में, असलाफ के बारे में आता ना, जब इस आयत को पढ़ते थे ना, रोने लगते थे कि अल्लाह तूने हमें ईमान वाला कहा, और अल्लाह ने आगे क्या कहा ना, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, तुम पर रमज़ान के रोज़े फ़र्ज करार दिए गए, जैसे तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज था, ये कोई नई परेशानी मत समझो, अपने गले का बोझ, अपने गर्दन का बोझ ना समझो, पहले शरीयतों में भी रोज़े थे, सिस्टम अलग था, अंदाज अलग था, औकात अलग अलग थे, हम प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं ना, अल्लाह ने हम पर रहम खाया है और अल्लाह ताला ने रोज़ा मुख्तसर कर दिया। पहले जमाने में, पहले शरीयतों में सुभान अल्लाह रोजे का सिस्टम बड़ा अलग था। तो मैं ये कह रहा था, जब रमजान आता है ना, कायनात का सिस्टम बदल जाता है। कैसे जानते हैं? जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के सारे दरवाजे, जोर से बोलिए, बंद कर दिए जाते हैं। बड़े बड़े जो सरकस शयातीन है, जिन्नात है, अल्लाह ताला इन्हें कैद कर देता है। रोजाना अल्लाह तबारक व ताला इफ्तारी के वक्त में लोगों को जहन्नम से आजाद फरमाता है। और ऐ मुसलमानों, मैं आपसे मुखातब हूँ, ये जिंदा दिल कौम है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इफ्तारी करने के लिए बैठना ना, सहरी खाने के लिए बैठना ना, अल्लाह की कसम, अल्लाह से दुआएं करना। क्या करना? दुआएं करना, सबके लिए करना, उलमा के लिए करना, अपने असातिज़ा के लिए करना, सारे मुसलमानों के लिए करना, सारे मोमिनों के लिए करना। ये आजमाइशें हम पर आई हैं, ये बलाएं हम पर आई हैं, ये मुसीबतें बन करके जो हम पर आज जुल्म और सितम कर रहे हैं, ये जालिम लोग अल्लाह ने हमें हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया है, ये हमारे गुनाहों का नतीजा है। इसलिए तौबा कर लेना, इस्तग़फ़ार करना, माफ़ी मांगना, इफ्तारी करने के लिए बैठना, सामने दस्तरखान बिछा हुआ है, सुभान अल्लाह, क्या करेंगे जानते हैं? दस्तरखान बिछा हुआ है, हमारे दोनों हाथ उठे होने चाहिए, अल्लाह के दरबार में सारे मुसलमानों के लिए दुआ करना, इस मुल्क में रहने वाले, बसने वाले सारे लोगों के लिए दुआ करना, अल्लाह इस मुल्क में अमन और शांति नाजिल फरमा, आमीन कहिए। अल्लाह इस मुल्क में अपनी रहमतें नाजिल फरमा, यहाँ की वादियों में, यहाँ की घाटियों में अल्लाह तबारक व तआला अपनी बरकतें नाजिल फरमा। हम इस मुल्क में वफादार लोग हैं, हम सबके लिए दुआ करेंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। तो ये दुआओं का महीना है, ये क्या है? ये दुआओं का महीना है, कसरत से दुआ करेंगे इंशाअल्लाह इस रमजान में। क्या हर रमजान में इफ्तारी के मौके पर अल्लाह तबारक व ताला लोगों की गर्दनों को जहन्नम से आजाद करता है। चलिए दुआ फरमाएं, अल्लाह हमारी गर्दनों को जहन्नम से आजाद फरमा, अल्लाह हमें जन्नत का मुस्तहिक बना। लेकिन एक बात कहकर के इंशाअल्लाह बात मैं अपनी खत्म करूंगा, वो हदीस जो मैंने पढ़ी है ना, प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया, मन सम रमजान ईमान व इहतसाबा, दो चीजें जरूरी है। कितनी चीजें? दो चीज़ें ज़रूरी है रमज़ान के रोज़े की मकबूलियत के लिए। इसका इल्म अगर नहीं हुआ ना, हम एक महीना नहीं, साल भर अगर भूखे प्यासे रहेंगे कोई फ़ायदा नहीं होगा। पहली चीज़ ये है, रमज़ान का रोज़ा उसी वक्त मकबूल होगा सुभान अल्लाह, जब हमारे आपके दिलों में क्या होगा? ईमान होगा। क्या होगा? ईमान होगा। ईमान शर्त है, अल्लाह पर यकीन, अल्लाह पर ईमान, अल्लाह पर एतमाद, अल्लाह पर भरोसा, ईमानियात का इल्म होना चाहिए। ईमान जरूरी है, और ईमान के साथ साथ क्या होना मालूम है? अल्लाह के लिए होना। ये लफ्ज बोलिए, किसके लिए? या बिरादरी के लिए, खानदान के लिए, शोहरत के लिए, नामवरी के लिए, दिखावे के लिए, मुत्तकी बनने के लिए, परहेजगार बनने के लिए लोगों की नज़रों में, या अगर रोज़ा नहीं रखा तो लोग क्या कहेंगे? क्या कहेंगे लोग? क्या कहेंगे? इसलिए नहीं, दो चीज़ें हैं। प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया, रमज़ान का रोज़ा हो या गैर रमज़ान का रोज़ा हो, मकबूल होने के लिए दो चीज़ें हैं। बोलिए मेरे साथ, एक ईमान का होना और दूसरा सवाब की खातिर। किसकी खातिर? किसी को दिखाने के लिए नहीं, किसी को बताने के लिए नहीं, किसके लिए?
सवाब की लालच में इंशाअल्लाह ताला। अगर आपने रोजे रखे, क्या फरमाते हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह तबारक व ताला आपके पिछले गुनाह माफ कर देंगे इंशाअल्लाह तबारक व ताला। ये मेरी और आपके लिए सबसे बड़ी कामयाबी क्या है, मेरे आपके गुनाह माफ हो जाए इंशाअल्लाह ताला। फमन ज़ुहिहा अनिन नार व उदखिला अल जन्ना फकद फाज, सबसे बड़ी कामयाबी क्या है, आतिशे जहन्नम से बच जाए और अल्लाह की जन्नत में दाखिल हो जाए। चलिए ये मुख्तसर सी बातें थी, बिखरी हुई थी, मैंने मुख्तसर से वक्त में समेटने की कोशिश की है। अल्लाह से मिलकर के दुआ फरमाएं, पहले मेरे लिए, मैं आप सब के लिए और हम सब मिलकर पूरी इंसानियत के लिए दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह से दुआ कीजिए, कहने वाले को अल्लाह अमल की तौफीक नसीब फरमाए, सुनने वाले को अल्लाह अमल की तौफीक नसीब फरमाए और पूरी दुनिया के लोगों को अल्लाह तबारक व तआला हिदायत नसीब फरमाए। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। اشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يرتعد